गैंगवार में गई युवक की जान। बाजना मठ के जेडीए कॉलोनी के पास वृक्ष में जमकर चले चाकू। बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर युवक को उतारा मौत के घाट। आरोपियों ने दो सगे भाइयों पर किए दनादन वार। वारदात में नीतीश ठाकुर उर्फ छोटू की हुई मौत, उसका भाई अंचल ठाकुर हुआ घायल। आपको बता दें तिलवारा क्षेत्र का मामला। क्या हुआ है, क्या आपके बेटे? मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं खुद डॉक्टर आशीष राज की गाड़ी लेके कुंडम गया था। कुंडम से लौट के आया तो अपने घर में खाना खा के सो गया था। लास्ट में मेरे को बताया गया और उसके बाद में जब जैसे ही मेरे बड़े बेटे की आवाज आई अंचल की, तो पापा नीचे उतरो छुट्टू को मार रहे हैं। तब मैं नीचे उतरा तो वहां पे मनु श्रीवास, शारदा सोनी, रिंकू साहू, अमित तांगड़े, एक लड़का और था उनके साथ में, जो वो लोग मेरे छुट्टू को मार रहे थे। मैंने जाके बीच में, बल्कि मेरे हाथ में खून के धब्बे भी देख सकते हो। मैंने जब बचाया है उनको ना, तो मेरे हाथ में खून का धब्बा, लेकिन बेटे का खेल उतने समय हो चुका था। ये पूरी घटना कहाँ की है? मेरे रिंकू किराने की दुकान के सामने की घटना है जी। थाना कौन सा लगता है? थाना तलवारा लगता है और आरोपी जी 4-5 है। वजह क्या है, किस बात को लेकर? कोई वजह नहीं, मेरा बेटा सभ्य है, मेरा बेटा ड्राइवर था, शेरा पाजी की गाड़ी चलाता है उनके हाथीताल कॉलोनी में। मेरा बेटा गया है यार। क्या नाम है? मैं नितेश सिंह राजपूत। और एक और बेटा जो घायल है? अंचल ठाकुर। आपका नाम? मेरा शैलन सिंह राजपूत। कोई विवाद? मेरे बेटे का तो कोई विवाद नहीं था। मेरा बेटा पूरा मोहल्ले में पता कर लो, सबसे छोटा बेटा मेरा, इतना सभ्य था कि जिसका कोई हिसाब नहीं यार। चाकूबाजी की घटना हुई है, क्या कुछ मामला है? ये आज रात में तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेडीए कॉलोनी में एक चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें रितेश ठाकुर और छोटू नामक युवक की मृत्यु हो गई है। इसका एक भाई अंचल ठाकुर घायल है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हर्षित श्रीवास उर्फ मनु, जो जेडीए कॉलोनी का ही रहने वाला है, ये कॉलोनी में किराना दुकान के सामने बैठकर आग ताप रहा था। वहीं ये मृतक और उसका भाई वहां पर पहुंचे और किसी पुरानी बात को लेकर इनका विवाद हुआ और उस विवाद में ही इनकी चाकूबाजी होने लगी आपस में। जिसने मृतक ने इसको चाकू मारा, इसने वही चाकू निकालकर इन मृतक और उसके भाई को मारा है, जिसमें वो दोनों घायल हुए हैं। मृतक का शव मर्चुरी में रखवा दिया गया है। घटना की पूरी जानकारी लेकर और कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है, अभी जो घायल है उनसे जानकारी ले रहे हैं।